मसाला मसाला भिंडी पंजाबी स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में गर्म कर लेंगे। भिंडी में मस्टर्ड ऑयल में बना रहा हूँ तो मस्टर्ड ऑयल को एक बार धुएंदार गर्म करना जरूरी रहता है। अब हमारी भिंडी इसमें डाल देंगे। भिंडी को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और ये भिंडी को मैंने मीडियम फ्लेम पे 6-7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर टर्न हो चुका है। ये भिंडी हम बाहर निकाल लेंगे। और भिंडी सारी हमने बाहर निकाल ली है और भिंडी निकालने के बाद 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है जीरा और फ्लेम कर देंगे बिल्कुल स्लो और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक और 2-3 लौंग हमने ले लिया है। इसको कुछ सेकंड्स फ्राई करेंगे और 2 प्याज मीडियम साइज का मैंने बारीक काट लिया है। इसमें लगा के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 6-7-8 मिनट हो चुकी है, हाई फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लहसुन, गार्लिक पेस्ट हमने ले लिया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने अदरक का पेस्ट ले लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कच्चापन निकलने तक इसको हमें फ्राई करना है, इसका जो स्मेल है वो निकल जाए। और 30-35 सेकंड के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/3 टीस्पून या 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है जीरा पाउडर, चुटकी भर ले लिया है हल्दी हमने और थोड़ा सा लेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट ये मसाला हम फ्राई कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें 2 बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी इसमें डाल देंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक मिला देंगे। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नमक डाल रहा हूँ, मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम करके 6 से 7 मिनट अच्छे से इस ग्रेवी को हम कुक करेंगे। और 5-6 मिनट के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास दही खट्टा है तो 2 चम्मच डालिए, अदरवाइज घर का दही है आपके पास तो 3 चम्मच दही डालें और गैस फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे स्लो कर दीजिए और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक के और 1 से 1.5 मिनट हम अच्छे से कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम लोग इसमें भिंडी डाल देंगे। टीस्पून ये चाट का मसाला और ढक के इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और या तो आप गरम मसाला डालें या तो ये किचन किंग मसाला, दो में से जो आपके पास अवेलेबल है वो इसमें आप डाल सकते हैं। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ का गैस हम कर देंगे बंद। ये गर्मा गर्म हमारा भिंडी मसाला। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। धनिया पत्ता, फ्रेंड्स आपको कुकिंग ऑयल आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग लेना है, आपको कितना कुकिंग ऑयल डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कुकिंग ऑयल कर सकते हैं।